यामिनी गुस्से के साथ खुद से कहती है, लगता है वो फिर से आ गया। यामिनी को फिर एक आदमी की आवाज सुनाई देती है, यामिनी बेटी, मेरी यामिनी बेटी। यामिनी को लगातार एक आदमी के पुकारने की आवाज सुनाई दे रही थी। यामिनी फिर खुद से बोल पड़ती है, मैंने कितनी बार बोला है उसे कि मुझे उससे नहीं मिलना, मुझसे मिलने मत आया करे, पर फिर भी वो चला आता है। आज तो मैं उससे मिलने नहीं जाने वाली। उसे पुकारना है तो पुकारता रहे, पर मैं उससे मिलने नहीं जाने वाली, मैं यहीं पर रहूंगी। यामिनी खुद से ये सब बड़बड़ा ही रही थी कि तभी उसे फिर आवाज सुनाई देती है, मुझे पता है यामिनी बेटी कि तुम मेरी पुकार अच्छे से सुन पा रही हो। कैसे नहीं सुन पाओगी, आखिर तुम मेरी बेटी जो हो, और एक बेटी अपने पिता की पुकार सुन ही लेती है। यामिनी गुस्से के साथ खुद से बड़बड़ाती है, मैं किसी की बेटी नहीं हूँ। फिर से आदमी की आवाज सुनाई देती है, मेरे पास आओ यामिनी बेटी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यामिनी खुद से कहती है, पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। आदमी की आवाज सुनाई देती है, यामिनी बेटी मेरे पास आओ, मैं यहाँ बंगला मुड़ा घाट पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। यामिनी गुस्से के साथ कहती है, मैंने कहा ना मुझे किसी से नहीं मिलना है, मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। इतना कहकर यामिनी अपने बिस्तर पर लेट जाती है और अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद कर लेती है। पर कान बंद करने के बावजूद भी यामिनी को उस आदमी के पुकारने की आवाज सुनाई देती रहती है। यामिनी परेशान हो जाती है उस आवाज को बार बार सुनकर, पर वो आदमी की आवाज बार बार उसे सुनाई देती रहती है। पहले तो आदमी की नम लहजे के साथ आवाज सुनाई दे रही थी, पर अगले ही पल गुस्से के साथ आवाज सुनाई देती है, यामिनी बेटी अगर तुम नहीं आना चाहती तो फिर मैं ही आ जाता हूँ, पर याद रखना अगर मैं ग्रेवयार्ड कोठी आया तो मैं उस भक्षानर के वंशज युग को छोड़ूंगा नहीं। पिछली बार तो तुमने उसे मुझसे बचा लिया था, पर इस बार नहीं बचा पाओगी। जैसे ही यामिनी के कानों तक ये आवाज पहुंचती है, उसके अंदर की बेचैनी बढ़ने लग जाती है। वो घबराते हुए तुरंत बिस्तर पर से उठकर बैठ जाती है। आदमी की फिर आवाज सुनाई देती है, यामिनी बेटी तुम घाट पर आ रही हो या फिर मैं ग्रेवयार्ड कोठी आ जाऊं। यामिनी खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, ये तो मान ही नहीं रहा है, अगर ये ग्रेवयार्ड कोठी आ गया तो फिर मैं इसको संभालूंगी या युग बाबू को। इन दोनों की तो आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है, एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। लगता है मुझे इससे मिलने जाना ही पड़ेगा, बस बहुत हुआ, आज मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी। यामिनी तुरंत अपनी जगह पर खड़ी होती है और बंगला मुड़ा घाट पर जाने के लिए निकल जाती है। यामिनी बड़े ही गुस्से के साथ अपने कदम आगे बढ़ाती जाती है। कदम बढ़ाते वक्त भी उसे लगातार किसी के पुकारने की आवाज सुनाई दे रही थी। जब वो बंगला मुड़ा घाट पर पहुंचती है तो देखती है कि उसे पुकारने वाला कोई और नहीं बल्कि रज्जन ही था। रज्जन ने काली शॉल ओढ़ रखी थी जो काफी मैली हो चुकी थी। रज्जन ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ अपनी नजरें करके यामिनी का नाम बार बार पुकारे जा रहा था। जैसे ही रज्जन की नजर यामिनी पर पड़ती है, रज्जन एकदम चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोलता है। यामिनी गुस्से के साथ अपने कदम आगे बढ़ाती रहती है और रज्जन के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। यामिनी को देखकर रज्जन की आंखें नम होने लग जाती हैं। उसका गुस्सा शांत हो जाता है। रज्जन भावुक होते हुए यामिनी से कहता है, मुझे पता था यामिनी बेटी तुम मुझसे मिलने के लिए जरूर आओगी। यामिनी गुस्से के साथ ही पलट कर कहती है, कैसे नहीं आती, तुम मुझे धमकी जो दे रहे थे ग्रेवयार्ड कोठी आने की, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे कदम ग्रेवयार्ड कोठी में फिर से पड़े। याद है ना जब तुम पहली बार ग्रेवयार्ड कोठी में घुसे थे तो तुमने ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर क्या गुल खिलाया था। यामिनी की बात सुनकर रज्जन अपनी नजरें नीचे कर लेता है। यामिनी के लहजे में उसके बाबा के लिए जरा सी भी इज्जत नहीं थी, जैसे रज्जन पूरी तरह से यामिनी के दिल से उतर गया हो। तभी वो इस लहजे में उससे बात कर रही थी, उसको जरा सी भी इज्जत नहीं दे रही थी। पहले वो उससे आप करके बात किया करती थी और अब तू तड़ाक करके बात कर रही थी। रज्जन यामिनी से फिर बोल पड़ता है, तुम क्यों अभी तक पुरानी बातों को लेकर बैठी हुई हो यामिनी बेटी, भूल जाओ उन बातों को। यामिनी पलटकर कुछ नहीं कहती है, बस अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की कोशिश करते रहती है। रज्जन फिर बोल पड़ता है, और रही धमकी की बात, तो मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा था यामिनी बेटी, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था तुम्हें यहाँ पर बुलाने का, इसलिए मुझे ये सब छल तुम्हारे साथ करना पड़ा। यामिनी गुस्से के साथ पलट कर कहती है, तुम्हें छल के अलावा कुछ और आता ही कहाँ है, तुमने मेरी माँ के साथ भी तो छल ही किया था ना। रज्जन अपनी गलती पर पछताते हुए कहता है, यामिनी बेटी तुमने क्या कसम खाई है कि मुझे सिर्फ एक गलती के लिए सारी उम्र भर सजा देती रहोगी, अब मुझे माफ भी कर दो। यामिनी गुस्से के साथ ही पलट कर कहती है, माफ कर देती मैं तुमको अगर तुमने गलती की होती, पर तुमने गलती नहीं पाप किया है पाप, और संसार में पाप की माफी नहीं मांगी जाती, वो तो तुमने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, वरना उसी वक्त तुम्हारा अंत कर देती मैं जिस वक्त मैंने तुम्हें श्राप से मुक्ति दिलाई थी। रज्जन नम लहजे के साथ कहता है, अभी भी देर नहीं हुई है मेरी बेटी, तुम मुझे मारना चाहती हो तो अभी भी मार सकती हो,
मैं तुम्हारे हाथों खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हूँ। यामिनी गुस्से के साथ कहती है, मुझे बेटी बुलाना बंद करो। कितनी बार बोला मैंने तुमसे कि मुझे अपनी बेटी मत बोलो, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। रज्जन कुछ कहने ही वाला था कि उसी वक्त यामिनी गुस्से के साथ फिर बोल पड़ती है, तुम्हें तुम्हारे श्राप से मुक्ति चाहिए थी ना, वो तो मैंने तुम्हें दिला ही दी है ना, तो इस पृथ्वी लोक से वापस यक्षिण लोक चले क्यों नहीं जाते। रज्जन यामिनी को एकटक देखते हुए कहता है, कामेश्वरी यक्षिणी के बिना कैसे चले जाऊं यामिनी बेटी, तुम ही बताओ। यामिनी गुस्से के साथ कहती है, तो तुम अभी भी मेरी माँ के पीछे पड़े हो, मैं ये कैसे भूल गई कि तुम मेरी माँ के लिए तो सब कुछ छोड़कर यहाँ पृथ्वी लोक आए थे, उन्हें लिए बिना यहाँ से कैसे जा सकते हो, है ना, तुम्हारे अंदर की वासना तो अभी तक नहीं मिटी है क्यों। रज्जन पलट कर कहता है, नहीं यामिनी बेटी ऐसी बात नहीं है, कामेश्वरी यक्षिणी आज जो भी भोग रही है वो जिस भी जगह पर है, मुझे लगता है कि वो सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ है, इसलिए मैं तो बस अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ कामेश्वरी यक्षिणी को कैद से आजाद करवा कर। यामिनी कहती है, तुम्हें मेरी माँ की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें मैं जल्द उस भक्षानर के अंश की कैद से आजाद करवा दूंगी। तुम या तो यक्षिण लोक वापस लौट जाओ या फिर अपने कर्म पर ध्यान दो। तुम महाशक्ति के वरुथी हो ना, तारा की रक्षा करने की कसम खाई है ना, तो जाओ उसकी रक्षा करो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, पर शायद तारा को पड़ सकती है। रज्जन पलट कर कहता है, मैं तब से अपना कर्म ही तो निभा रहा हूँ यामिनी बेटी, तारा की रक्षा करने के लिए ही तो मैं भिखारी के वेश में 2 सालों से मंदिर के पास रह रहा हूँ, ताकि तारा पर नजर रखकर उसकी हिफाजत कर सकूं। और ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो, तुम्हारा भी तो मंदिर आना जाना लगा रहता है ना, पर मैं अपना एक और कर्म निभाना चाहता हूँ, कामेश्वरी यक्षिणी को उस भक्षानर की कैद से आजाद कराने का। यामिनी गुस्से के साथ कहती है, मैंने कहा ना तुमसे कि तुम्हें मेरी माँ की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें मैं अकेले ढूंढ लूंगी। रज्जन तुरंत पलट कर कहता है, नहीं ढूंढ सकती तुम उसे अकेले यामिनी बेटी, मेरी मदद के बिना तो कभी नहीं। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो, हम दोनों अगर साथ में कामेश्वरी को ढूंढेंगे तभी वो मिल पाएगी, हम दोनों अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। एक यक्ष और यक्षिणी की शक्ति से किसी अन्य यक्षिणी का पता लगाया जा सकता है, तुम खुद जरा सोचो, इन 2 सालों में तुम उसे ढूंढ पाई हो क्या। यामिनी चुप ही खड़ी रहती है, एक पल के लिए तो उसका भी मन करने लग गया था कि वो रज्जन की बात मान ले, पर जैसे ही उसे याद आता है कि रज्जन ने अतीत में क्या पाप किया था, तो उस पाप को याद करके उसका मन फिर बदल जाता है, उसके मन में फिर रज्जन के लिए नफरत जाग जाती है। रज्जन फिर यामिनी को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, यामिनी बेटी बात समझने की कोशिश करो, हालात जितने ठीक लग रहे हैं उतने ठीक है नहीं, ये बस तूफान के आने के पहले की शांति है, जब तूफान आएगा तब सब तबाह कर देगा। मैंने कार्तिक पुजारी से बात की है और उनका भी कहना यही है कि वो भक्षानर कांश वापस लौट कर जरूर आएगा। यामिनी बड़े ताव में पलट कर कहती है, अगर वो वापस लौट कर आएगा तो उसके लिए युग बाबू है ना, वो उसे देख लेंगे, छोड़ेंगे नहीं युग बाबू उस भक्षानर के अंश को। रज्जन झट से बोल पड़ता है, तुम्हें क्या लगता है यामिनी बेटी कि इस बार भी युग सबको बचा लेगा जिस तरह उसने तुम सबको पिछली बार बचाया था। यामिनी खामोश खड़ी रहती है। रज्जन अपनी बात को पूरी करते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं यामिनी बेटी, तुम खुद जानती हो कि युग भक्षानर बन रहा है, और हो सकता है कि इस बार वो तुम लोगों का साथ देने की जगह खुद उस भक्षानर के अंश का साथ दे दे, आखिर वो उसी का वंशज जो है, वो भी एक भक्षानर है। मैं तो कहता हूँ तुम भी उसका साथ छोड़ दो, वो अपने सारे दोस्तों को तो मार ही चुका है, कहीं तुम्हें भी ना मार दे। यामिनी गुस्से के साथ चीखते हुए बोल पड़ती है, युग बाबू ने किसी को नहीं मारा है। रज्जन अपनी बात पर अडिग रहते हुए बोल पड़ता है, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती यामिनी बेटी, मुझे युग की सारी सच्चाई पता है, वो हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात घाट पर शिकार करने जाता है और तुम उसे रोकने की नाकाम कोशिश करती रहती हो। यामिनी चुप रहती है। रज्जन फिर बोल पड़ता है, क्या ये सच नहीं है कि युग के हाथ खुद उसके दोस्तों के खून से सने हुए हैं? क्या तुमने उसके हाथ कछुए के खून से रंगे हुए नहीं देखे थे? तुमने क्या, तुम्हारे सारे दोस्तों ने उसके हाथ खून से रंगे हुए देखे थे? रज्जन की बातें सुनकर यामिनी की आंखें कुछ नम होने लग जाती हैं, जैसे रज्जन एक ऐसा सच बोल रहा हो जिसे वो चाहकर भी नकार नहीं सकती थी। रज्जन यामिनी को समझाने की कोशिश करते हुए फिर बोल पड़ता है, मैं तो अभी भी कहता हूँ यामिनी बेटी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, उस भक्षानर के वंशज युग का साथ छोड़ दो, वरना वो तुम्हें भी खत्म कर देगा। भूलो मत, सारे भक्षानरों का मकसद एक ही है, और वो है संपूर्ण ब्रह्मांड पर राज करना, चाहे फिर उसके लिए उन्हें किसी को भी क्यों ना मारना पड़े। यामिनी रज्जन को घूरते हुए गुस्से के साथ कहती है, युग बाबू बाकियों से अलग है समझे तुम? मैं युग बाबू का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं प्यार करती हूँ उनसे और आखिरी सांस तक उनके साथ रहूंगी।
रजन कुछ गुस्से के साथ बोल पड़ता है, तुम भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह। कामेश्वरी भी भक्षानर के वंशज अनुराग के प्यार में पागल थी और तुम भी भक्षानर के वंशज युग के प्यार में पागल हो गई। जिस तरह अनुराग ने कामेश्वरी यक्षिणी को बर्बाद कर दिया, युग भी तुम्हें बर्बाद कर देगा। भूलो मत, आज कामेश्वरी यक्षिणी कैद में है तो वो भी सिर्फ और सिर्फ उस अनुराग की वजह से ही। तुम भी कैद होकर ना रह जाओ। कामेश्वरी यक्षिणी को भी यही लगता था कि अनुराग अलग है, पर मेरी एक बात याद रखना, जिस तरह कामेश्वरी अनुराग को नहीं बचा पाई, तुम भी युग को नहीं बचा पाओगी। उसे भक्षानर के साथ मिलने से कोई नहीं रोक सकता। युग के अंदर का भक्षानर ही एक दिन उस पर हावी हो जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। यामिनी गुस्से के साथ रजन को घूरते हुए कहती है, हो गया तुम्हारा, तुम्हें जो कहना था कह दिया। प्यार सबको बदल देता है और मेरा प्यार भी युग को बदल देगा, देख लेना। तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो, समझे? और दोबारा अब कभी अपनी सूरत मत दिखाना। रजन पलट कर कहता है, पर यामिनी मैं यहाँ से ऐसे जाने के लिए नहीं आया था, बल्कि तुम्हारे साथ के लिए आया था। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, हम साथ मिलकर कामेश्वरी को ढूंढ सकते हैं। यामिनी गुस्से के साथ पलट कर कहती है, पर मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। रजन कहता है, पर यामिनी। रजन अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही यामिनी उसे बीच में टोकते हुए बोल पड़ती है, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, और अब दोबारा कभी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। और आइंदा तुमने मुझे युग बाबू को कुछ भी करने की धमकी दी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं भूल जाऊंगी कि तुमने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। भूलो मत, मुझे मेरी माँ का ताज मिल चुका है और उसकी शक्तियों के सामने तुम्हारी शक्तियाँ कुछ भी नहीं है। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ और अब दोबारा कभी अपना मुंह मत दिखाना। रजन फिर कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि फिर यामिनी उसे अपनी गुस्से से भरी हुई आंखें दिखा देती है और रजन एकदम चुप हो जाता है। वो समझ जाता है कि वो यामिनी को नहीं समझा सकता है, इसलिए वो मायूसी के साथ वहां से चला जाता है। रजन के जाते ही यामिनी भी वापस ग्रेवयार्ड कोठी जाने लग जाती है। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर युग बड़ी तेजी के साथ अपने कदम बढ़ा रहा था। वो एक कमरे का दरवाजा खोलता है और उसके अंदर चले जाता है। कमरे के अंदर ज्यादा रोशनी नहीं थी। उसी कमरे के अंदर एक ताबूत रखा हुआ था, वो ताबूत जिसे भक्षानर के अंश ने बॉटफ्लाई और अपनी काली शक्ति से बनाया था। उसी ताबूत के ऊपर 5 निशान बने हुए थे, जिसमें से आखिरी निशान मिट चुका था, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि चित्रा ने मिटाया था। युग धीरे धीरे उस ताबूत की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक